हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। काफ़ी सारे बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, समस्या रहती है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, 2 kg 4 kg, एफ फोर्स अप्लाई हुआ है, फ्रिक्शन भी दिए गए, कॉफिशेंट 0.5 0.2। ये दोनों सरफेसेस पर यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, या फिर आपसे पूछा जाता है कि भैया फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में, या फिर पूछा जाए कि नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस परेशानी का आज मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं, नीचे वाले ब्लॉक यानी बी ब्लॉक पर एफ फोर्स अप्लाई हुआ है और ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 2 kg, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, और ग्राउंड और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। अब आप एक बात सोचो कि जब नीचे वाले ब्लॉक पर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है, तो अगर इनिशियली ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा होता तो ए ब्लॉक को कौन चलाएगा? भाई फोर्स तो अप्लाई हुआ है बी पर, तो ए ब्लॉक साथ में आगे जाएगा ना। दो केस मानेंगे हम, के पहले केस में क्या होगा कि दोनों साथ चल रहे हैं, दूसरे केस में कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, सेपरेटली मूव कर रहे हैं। तो पहले हमें वो फोर्स तो मिले जब तक कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ब्लॉक ये साथ में चल रहे हैं तो इस ए ब्लॉक को कौन चलाएगा, इस ए ब्लॉक को कौन चलाएगा? ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। तो आइए क्या करते हैं, हम ए ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉक ए। अब ए ब्लॉक को फ्रिक्शन चलाएगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ चलाएगा यार, तो आगे की तरफ चलाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पर आगे की तरफ लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 0.5, यहाँ पर इसका मास 2 kg है तो ये लग गया यहाँ पर 20, और ऊपर का तरफ लग गया नॉर्मल, तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया अपने पास 20, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 10 N। यानी ए ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, 10 N। तो इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम अगर हम निकालें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यानी ये पूरा सिस्टम अगर चलेगा साथ साथ में तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 5 m/s² कितना हो सकता है, 5 m/s² और ये कब के लिए है, जब वो साथ साथ चल रहे हैं, मूव टुगेदर, ये दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ चल रहे हैं तो ये सिचुएशन रहेगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया, 5 m/s² का यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं ये जो ब्लॉक बी है हमारा, इस पर कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाए कि ये दो पूरा सिस्टम साथ चले। अब अगर ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है तो टोटल कितना मास आगे जाएगा, सोचो भाई ऊपर 2 kg और 4 kg ये दोनों साथ में आगे जाएंगे तो टोटल मास कितना आगे की तरफ जाएगा, 6 kg का मास पूरा एक साथ आगे जाएगा। तो इस पर लगा दिया हम लोगों ने एफ फोर्स। अच्छा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे, ये जो बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर काम कर रहा है, पीछे की तरफ। कितना काम करेगा, अगर इस पूरे सिस्टम का आप एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा 6 × g और ऊपर की तरफ लग जाएगा इसमें नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू 6 × g के बराबर होगी, तो फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 × 6 t, तो ये अपना आ जाएगा 12 N। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, F-12 = 6 × a। भैया ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 5, तो रख देते हैं, तो F-12 = 6 × 5, यानी बच्चों ये चीज़ आई हमारी 12 + 30, यानी 42 N तक के फोर्स अगर इस सिस्टम पर लगेगा तो ये सिस्टम हमारा पूरा का पूरा कैसा चलेगा, साथ चलेगा। अगर 42 N से ज्यादा फोर्स इस पर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया तो ये सिस्टम साथ में नहीं चलेगा, तो उस केस में इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होने लगेगा।
अब जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, सोचो आप। ये पूरा सिस्टम साथ में जा रहा है तो ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर ए और बी सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आ गया अप्लाइड फोर्स का। इस तक हमें पता चला कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो साथ चलेंगे। आइए रेंज बना लेते हैं, पूरी की पूरी रेंज ही बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन से कम हुआ, ये मान लो पहला केस है हमारा कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन से कम हुआ, ये 12 न्यूटन क्या है, ये 12 न्यूटन है ग्राउंड और पूरे सिस्टम के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन से कम है तो ये पूरा सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। तो इस केस में जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर। सेकेंड केस की हम बात कर लेते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन से ज़्यादा है और 42 न्यूटन से बराबर है या कम है, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो 12 न्यूटन से ज़्यादा है और 42 न्यूटन से कम है। मान लो इस पूरे सिस्टम पर आपने फोर्स अप्लाई करा 30 न्यूटन का और हमने तो वैल्यू अपनी निकाली है 42 न्यूटन। हमें पता है कि इस 42 न्यूटन तक जो हमारा सिस्टम है वो साथ साथ चल रहा है, तो 30 तक तो साथ चल ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 12 और 42 के बीच में होगा तो इस केस में हम बात करेंगे कि वो पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, मूव टुगेदर। इस केस में क्या होगा, ये पूरा सका पूरा सिस्टम हमारा साथ साथ आगे बढ़ेगा। अब जब ये पूरा सिस्टम साथ साथ आगे बढ़ेगा तो फिर दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कितना एक्सेलरेशन होगा, आगे की तरफ लगा फोर्स एफ माइनस पीछे की तरफ लगा फ्रिक्शन और टोटल मास कितना है हमारे पास, 6। तो ये जो है वो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जब ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रिक्शन की बात। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मैंने लिखा फ्रिक्शन ऑन ए और ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। अगर बात की जाए कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है तो क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। मास हो गया हमारे पास 2 kg का और एक्सेलरेशन बच्चों कितना है, एफ माइनस 12/6। तो ये आएगा यहाँ से वैल्यू, आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच। और ग्राउंड के बीच की अगर हम बात करें, ग्राउंड और पूरे सिस्टम के बीच की बात करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पूरा सिस्टम हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 न्यूटन। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी समस्या है तो बताइए जल्दी से। ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। हम बात यहाँ पर कर लेते हैं केस नंबर थर्ड की। तो केस नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो 42 न्यूटन से भी ज़्यादा हो जाए, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो 42 न्यूटन से भी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा। अब इस केस में ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ में मूव नहीं करेगा। अब दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, मूव सेपरेटली। ये पूरा सिस्टम हमारा अलग अलग दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। अब जबकि हमें पता चल चुका है कि ये दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं, सेपरेटली मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन भी अलग अलग होंगे। तो अगर आपसे बात की जाए कि ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ए का भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ए का एक्सेलरेशन तो आ चुका है हमारे पास 5 m/s² भैया, क्योंकि ए का फ्रिक्शन ए पर कितना लग रहा है आगे की तरफ, 10, और इसका मास है 2 kg। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10/2, वो तो यही आएगा 5। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं ब्लॉक बी के बारे में, तो ब्लॉक बी पर फोर्स आपने अप्लाई करा है आगे की तरफ, ग्राउंड ने ब्लॉक बी पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करा है 12 न्यूटन जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और जो ब्लॉक ए पर 10 न्यूटन आगे लगा था, अब ब्लॉक बी पर 10 न्यूटन कहाँ लग जाएगा, पीछे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, एफ माइनस ये 12 + 10 कितना हो गया हमारा, 22, और डिवाइडेड बाय इसका मास कितना था, 4। तो इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि b का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, f माइनस 22 और डिवाइडेड बाय कितना मास है, 4। तो ये हमारा आएगा एक्सेलरेशन किसका, b ब्लॉक का। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों के एक्सेलरेशन भी चेक कर लिए यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन की बात है तो अगर मैं बात करूँ आपसे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, भाई फ्रिक्शन की भी तो हम बात कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड के लिए फ्रिक्शन देखा जाए तो वो तो 12 न्यूटन ही लगेगा, ग्राउंड के लिए तो फ्रिक्शन 12 न्यूटन ही है। लेकिन अब ए और बी के बीच में मोशन होने लगा रिलेटिव, तो अब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा होगा, क्या स्टैटिक होगा, नहीं। अब वो कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चों, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम अगर बात करते हैं ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन आप किस तरह से निकाल सकते हो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मास तो हमारे पास 2 है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका कितना हो गया, 5। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन। तो ये हमारा जो है ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ चुकी है 10 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। अगर आया है समझ तो बिल्कुल सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आइए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम ऑब्वियसली बात है रेस्ट पर है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स के बीच में क्या हो जाए, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या बताना है, उसके लिए आपको यहाँ पर बताना है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए। तो यार करना क्या है, देखो बेसिकली हमें करना ये है कि मतलब जिस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हुआ है उस ब्लॉक को छोड़ दो, जिस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स नहीं है उस ब्लॉक को पकड़ लो, क्योंकि उस पर सिर्फ फ्रिक्शन है तो थोड़ा आसान होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ब्लॉक ए का एपीडी बना लेते हैं। आओ, ए का मास है 10 kg का, तो नीचे क्या लग रहा होगा भैया, 10g लग रहा होगा और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो फिर ब्लॉक ए को मूव कौन कराएगा, ब्लॉक ए को मूव कौन कराएगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन, तो आगे की तरफ इस पर फ्रिक्शन लगेगा। तो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू रहा 0.5 और नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई है यार, 10 into g। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू तो कितना आ गया है, 50 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। अब मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम अगर साथ चलेगा तो टोटल मास कितना आगे की तरफ जाएगा, 30 केजी का मास पूरा एक साथ आगे की तरफ जाएगा और इस पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। नीचे वाली सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ पर ग्राउंड पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, जीरो है, और इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है। अब एक्सेलरेशन होगा कितना, चलो आओ निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना था 10, तो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास 5 m/s². अब इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, भाई एफ माइनस एफ होता तो ये तो जीरो है, तो सीधा लिख दो एफ बराबर एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास कितना है यार 30 का और एक्सेलरेशन कितना है 5 का, तो यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 150 न्यूटन। यानी ये पूरा सिस्टम 150 न्यूटन तक अगर इस सिस्टम पर फोर्स अप्लाई होता है तो ये साथ चलेगा, और इससे थोड़ा सा भी फोर्स ज़्यादा हुआ तो फिर ये सिस्टम साथ नहीं चलेगा। हमसे यहाँ पर वही पूछा है कि मिनिमम वैल्यू एफ की कितनी हो कि इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, तो 150 से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई तो इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो अप्लाइड फोर्स है या तो वो 150 से ज़्यादा हो या फिर 150 के बराबर हो, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो, तो मिनिमम वैल्यू 150 ही हो जाए ना यार, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, किसके लिए, स्लाइडिंग हो जाने के लिए। यानी इतना फोर्स अप्लाई होगा मिनिमम तो इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए आए। एक सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक हमारा ए है और ये ब्लॉक हमारा बी है,
तो अब यहां पर क्या बोला है, देखो 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है और फ्रिक्शन दे दिए। अब देखो दोनों फ्रिक्शन दिए हैं आपको, कोफिशिएंट काइनेटिक भी दिया है, स्टैटिक भी दिया है, यहां ग्राउंड पर भी काइनेटिक और स्टैटिक दोनों दिए गए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, तो क्या करेंगे, तो वही काम है, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओ। सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओ। तो जब हम ब्लॉक ए की बात करेंगे तो इसमें नीचे मैक्सिमम, अगर हमें फ्रिक्शन की बात करनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो क्या हो जाएगा हमारा ये म्यू एस इंटू एन। अब नॉर्मल कितना हो जाएगा भैया, तो ये इसका मास हो गया हमारा 20, वेट हो गया इसका 2G लिख सकते हैं या फिर उसको 20 लिख दो, चलो 2G ही लिख दिया। और ऊपर की तरफ लग जाएगा इसमें नॉर्मल फोर्स, म्यू एस कितना है यार 0.6 है, और ये रहा हमारा 20 लिख दो या 2G लिख दो, तो ये वैल्यू आएगी अपनी 12 न्यूटन। ये वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 12 न्यूटन। अब क्या करेंगे हम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय इसका मास क्या था भैया 2, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस सिस्टम का कितना हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है तो टोटल कितना मास चलेगा साथ में, 7 kg का टोटल मास साथ चलेगा। आगे की तरफ मान लेते हैं F, क्योंकि भैया देखो 60 न्यूटन फोर्स तो अप्लाई हुआ है लेकिन हमें नहीं पता ना 60 न्यूटन पर वो साथ चल रहे कि अलग अलग चल रहे, तो पहले वो मिनिमम वो फोर्स की वैल्यू तो निकालो कि जब तक वो साथ चलेंगे। तो मान लिया कि वो फोर्स कितना है, F है। अब अगर ये पूरा सिस्टम चल रहा है तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। यहाँ पर हम कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व कराएंगे, यहाँ पर हम इन्वॉल्व कराएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को, क्योंकि ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा इन्वॉल्व, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है भैया 0.2, और नॉर्मल हो जाएगा हमारा 7 × g, तो ये वैल्यू आएगी अपनी कितनी 14 न्यूटन। ये कितनी वैल्यू आएगी अपनी 14 न्यूटन। तो अगर ये एक्सेलरेशन इसका राइट साइड में ही है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि अप्लाइड फोर्स उधर ही है, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस 14 इज इक्वल टू 7 × a, और 7 × a कितना हो जाएगा हमारा 7 × a, a का वैल्यू है 6, तो F इक्वल टू आएगा 14 + 42। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो गया 426 और 415, यानी 56 न्यूटन। देखो 56 न्यूटन तक ही वो साथ चलेंगे, आपने अप्लाई करा है 60 न्यूटन, इसका मतलब अब उनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। अब जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो अब क्या है, अब दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। तो अब हम इनके एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ए का, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब जब हमें पता है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है, तो ए पर अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो अब बात होगी यहाँ पर किसकी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ए और बी दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू कर देंगे, मतलब सेपरेटली मूव करना शुरू कर देंगे, तो अब इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल लो पहले, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलता है, म्यू इंटू एन से, तो म्यू का वैल्यू हो गया 0.5 और नॉर्मल हो जाएगा इसमें 20, और डिवाइडेड बाय मास इसका कितना है 2, तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 10 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, मतलब 10 बार कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, ठीक है। और 10 × 0.5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया भैया ए का एक्सेलरेशन, क्या आपको दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा ए का एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा सा सेट कर दिया जाए क्या, माउस किधर गया, एक सेकंड का टाइम दो, अब मुझे इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ये मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा आ रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है भैया, इधर गया माउस, यस थोड़ा सा छोटा किया जाए वीडियो को, ओके नाउ दैट्स फाइन, ठीक है भाई अब क्लियर है।
तो आइए बात कर लेते हैं, यस अब हम बात कर लेते हैं, ए का फ्रिक्शन तो आ चुका है, तो अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर बी पर फ्रिक्शन की। तो बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स सॉरी फ्रिक्शन की बात कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन की, तो बी पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा यार, ध्यान से देखो। तो जो हमारा बी वाला ब्लॉक है उसका मास कितना है, 5 kg का मास है। अब जो बी वाला ब्लॉक है उस पर आगे की तरफ फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, 60 N का। कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 60 N का। और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना काम कर जाएगा, देखो ध्यान से, अलग से इसको निकाल लेते हैं, यहाँ कहीं निकाल लेते हैं, जगह है अपने पास। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पे 5 और 2, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, हो जाएगा हमारा 70, और म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0.2, तो ये वैल्यू आएगी अपनी 40 N, तो जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो बी का एक्सेलरेशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो बी पर आगे की तरफ कितना लगा है, 60 N माइनस, अब बी पर दो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, इसको कहाँ बनाऊँ यार, इधर ही बना देते हैं चलो। तो बी पर आगे की तरफ तो लग गया 60 N का, नीचे की तरफ लग गया है 40 N का, और ऊपर वाली सरफेस पर भी तो काम करेगा एक फ्रिक्शन, कौन सा, 10 N का। तो यहाँ पर फाइनली पीछे की तरफ कितना हो गया टोटल, 24 N, और डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका, 5, तो ये हमारा आएगा 60 - 24 कितना होता है, 36, और डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। और देख लेते हैं, चलो आप और देखते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर भी सेम पैटर्न का सवाल है कि 2 kg का ब्लॉक, ब्लॉक ए मान लो इसको, इसको मान लो ब्लॉक बी है, तो हमारे पास ये दो ब्लॉक्स दिए गए, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करो, ब्लॉक ए बना लो, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाया, फ्रिक्शन कितना लगा आगे की तरफ, म्यू इंटू एन, तो म्यू कौन सा, तो हम पहले यहाँ पर कौन सा मैक्सिमम निकालना है, तो स्टैटिक ले लेंगे, तो 0.5 इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1 × g, तो ये हमारा आएगा कितना, 5 N। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है बच्चों, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, तो ये हमारा आएगा 5 m/s का स्क्वेयर। अब हम मान लेंगे पूरा सिस्टम हमारा साथ में चल रहा है, तो पूरा सिस्टम साथ चलेगा तो टोटल कितना मास जाता हुआ दिखाई देगा आपको, पूरा 3 kg का मास जाता हुआ दिखाई देगा। आगे जो भी फोर्स इसमें अप्लाई हुआ है इसको हटा करके हम एफ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें भी पता करना है ना कि जो ये पूरा सिस्टम साथ चल रहा है तो कितने फोर्स तक साथ चलेगा, और पीछे की तरफ इस पर क्या लग जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इनटू एन। अब यहाँ पर तो देखो म्यू के और म्यू एस दोनों सेम ही हो गए, तो बात ही कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो यार, तो ये हो गया तुम्हारा 0.3, और नॉर्मल कितना लगेगा, 30 लग जाएगा ना, तो ये आएगा आपका 9, ये कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब यहाँ पर भी हमें दोनों के निकालना है, तो अब देखो एफ ऐसा, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो एफ माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, ये 3 × a, a कितना है, 15 है, तो f बराबर कितना आएगा ये 24 N, यानी 24 N तक ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। अब क्वेश्चन में जो बोला है कि आपने अप्लाई कितना करा है, सिर्फ 18 यार, अरे भैया 24 तक साथ चल रहे हैं, तो 18 पर तो साथ चल ही रहे होंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक हमेशा कैसे साथ चलेंगे, मतलब कैसे चलेंगे, मूव टुगेदर, ये ब्लॉक हमेशा कैसे काम करेगा, कैसे मूव करेगा, टुगेदर साथ साथ चलेंगे हम साथ साथ। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो जब ये दोनों ब्लॉक साथ ही चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो इस केस में दोनों ब्लॉक्स का कैसा होगा, सेम होगा। अब जब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यार सेम है, तो कितना अप्लाइड फोर्स कितना है, 18 N माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा यार, 9 N, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 3 kg, तो ये हमारा आएगा 18 - 9 यानी 9/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 m/s², तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। बताइए भाई यहां तक कोई भी तकलीफ है तो बताइए, देख लो आसान था, आगे बढ़े और देखें ऐसे क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पर भी देखो 16 N का फोर्स लगा है, ये ब्लॉक ए ले लो, ये ब्लॉक बी ले लो, तो क्या करो, ब्लॉक ए जो है इस पर फ्रिक्शन आगे कितना लग जाएगा, म्यू इनटू एन,
तो म्यू का वैल्यू कौन सा लोगे आप? 0.5। और नॉर्मल कितना हो जाएगा यार? नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30, तो ये आएगा अपना 15 न्यूटन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा यार, 15 डिवाइडेड बाय द मास, तो कितना है 3, तो ये आपका वैल्यू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एक्सेलरेशन, अब हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम साथ चल रहा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा ना फोर्स की, कितने फोर्स तक वो पूरा सिस्टम साथ चल रहा है। तो टोटल मास हमारा बच्चों कितना हो जाएगा यार, 8 kg का टोटल मास हो गया। पीछे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सरफेस आपको दी गई है कि स्मूथ सरफेस है, तो पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन काम कर नहीं रहा है। अच्छा, आगे की तरफ यहाँ पर एक्सेलरेशन अपना कितना हो गया है, 5। इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ बराबर एफ माइनस एफ लिखते तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 5, यानी अप्लाइड फोर्स कितना आ गया हमारे पास, 40 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि 40 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे। अब अप्लाई कितना करा अपन ने, सिर्फ 16, तो अब ऐसी बात है जब 40 तक साथ चलेंगे तो 16 पर भी तो साथ चल ही रहे होंगे, तो अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम। तो A1 बराबर हो जाएगा A2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यार, सोचो अब आप, कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास, तो 5 और 3 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई भी तकलीफ है? एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं करी है हमने। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 0.5 × 30 हो गया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारा आएगा 15 न्यूटन, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आ गया, 3 5 15। आगे की तरफ यहाँ पे सरफेस स्मूथ दी गई है नीचे वाली, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया भैया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की, अभी तक हमने क्वेश्चन कौन से देखे जिसमें नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हुआ था। हम बात करने वाले हैं ऐसे ब्लॉक की जिसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऊपर के ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हुआ हो। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उसका एबीडी बना लो, उसका एक्सेलरेशन निकाल लो बस। तो एबीडी हम यहाँ पर किसका बनाएंगे, जैसे आपने देखा कि ए ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बी जो ब्लॉक है उस पर कोई भी फ्रिक्शन कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी का एबीडी ही बना लेते हैं। किसका, बी का एबीडी बनाओ। तो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक अगर साथ चल रहे हैं तो बी को चलाएगा कौन, कौन चलाएगा, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है कि बी पर फ्रिक्शन आगे ही लगा होगा, तभी तो बी साथ में जाएगा। तो कितना फ्रिक्शन काम करेगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू तो है अपने पास 0.5 और नॉर्मल कितना हो जाएगा यार, 10 × g, तो ये हमारा कितना आएगा, 50 न्यूटन फ्रिक्शन आ गया। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यार कितना हो सकता है सिस्टम का, तो 50 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी हमारा है 10, यानी एक्सेलरेशन हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्स एक्सेलरेशन हो सकता है इस सिस्टम का, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है तो टोटल कितना मास आगे जाएगा, 20 kg का। कितना मास आगे जाएगा, 20 kg का। अप्लाइड एफ मान लो, एफ पता करना है ना, और नीचे की तरफ तो कोई फ्रिक्शन काम करेगा नहीं क्योंकि ये वाली सरफेस आपको कैसी दी गई है, स्मूथ है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं। अब ये पूरा सिस्टम जा रहा है कितने से, 5 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ बराबर एम इंटू ए, तो मास कितना है हमारे पास, 20 है, और एक्सेलरेशन कितना है, 5 है, यानी 100 न्यूटन तक के फोर्स तक, जब आप इस पर, इस सिस्टम पर 100 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई करो तब तक ये ब्लॉक दोनों साथ चल रहे हैं, तो 50 पे तो साथ चल ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो अब इनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। तो ए का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना बी का होगा, कितना, अप्लाइड फोर्स यानी 50 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कितना सिस्टम का मास है, 20, तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ चुका है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए भाई, आसान क्वेश्चन है हाँ कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि चाहे अप्लाइड फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर हो, चाहे अप्लाइड फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर हो, अपन को करना क्या है, हमें करना ये है कि जिस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई ना हुआ हो, मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा होगा तब तो वो साथ में चल ही रहे इनिशियली, लेकिन अप्लाइड फोर्स जिस ब्लॉक पर ना दिखाया गया है उस ब्लॉक को आप
ड्रॉ कर लो, उस ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकाल लो, उसी ब्लॉक से आप एक्सेलरेशन निकाल लो। फिर क्या करो, फिर मान लो कि पूरा सिस्टम साथ चल रहा है और फिर आप एफ की वैल्यू निकाल लो, कितने फोर्स तक पूरा सिस्टम साथ चलेगा, है ना। तो एफ की वैल्यू हमारी जैसे इस क्वेश्चन में आई 100, तो ये अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है ना भाई। 100 तक जब साथ चल रहे हैं तो 50 पे तो साथ चल ही रहे होंगे ना, तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में बताइए। टोटल फोर्स आप कितना अप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारा आंसर आ गया 2.5। मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब आप बताइए कितना आएगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन उसी वैरायटी का है, इसमें भी आपसे बोला गया है कि जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर अप्लाइड फोर्स है 101 न्यूटन का। तो हम क्या करेंगे बताओ, नीचे वाले ब्लॉक को बना लो यार। तो नीचे वाला ब्लॉक हमने बनाया, ये हमारा ब्लॉक हो गया बी, आगे की तरफ फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, बिल्कुल सेम था, आगे की तरफ फ्रिक्शन हमारा कितना काम कर रहा है इसमें 50 न्यूटन का, कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। अभी जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, बस इसमें क्या था, अप्लाइड फोर्स 50 था और इस क्वेश्चन में जो अप्लाइड फोर्स है वो 101 है, यानी 100 न्यूटन तक तो वो साथ चल रहे थे, अब जब 101 न्यूटन का फोर्स लग गया तो अब तो वो साथ नहीं चल रहे होंगे, अब तो दोनों ब्लॉक मूव अलग अलग कर रहे होंगे, सेपरेटली मूव कर रहे होंगे। तो जब यहाँ पर हमने पता लगा लिया कि दोनों ब्लॉक अब सेपरेटली मूव कर रहे हैं, मूव सेपरेटली, तो इस केस में अब हमें दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, और इस केस में दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, कौन सा काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ब्लॉक ए को बनाया जाए, तो ब्लॉक ए पर अप्लाइड फोर्स कितना है यार, 101 न्यूटन का। अगर ए पर हम बात करें फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लग रहा है, अरे भैया जितना बी पर आगे लगेगा उतना ही ए पर पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा 50, तो इसका मास हमको कितना दिया है, 10 kg। तो यार एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, 101 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, अरे नेट फोर्स अपॉन मास यार, तो ये हमारा आ जाएगा 51 डिवाइड बाई 10, यानी 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो आ गया, ये किसका आया, ए का, किसका आया, ए का। बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं बी का। तो भैया जो बी की अगर हम बात करते हैं, तो बी पर आप देख सकते हो कि आगे की तरफ जो फोर्स लगा वो कितना है, 50 न्यूटन का, और बी का जो मास है वो कितना हो गया यार हमारा, 10 kg का मास हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो बी का आ गया। अब आप यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि सर ये ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों आया, बी का एक्सेलरेशन कम क्यों आया, भैया फोर्स किस पर अप्लाई हुआ था यार, है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ए पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो ए का एक्सेलरेशन जो है वो बी से ज़्यादा आएगा ना, बी पे, बी को तो सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, लेकिन ए पे 101 न्यूटन का फोर्स भी अप्लाई हो रहा है भाई, तो ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बी से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा रहा 5वां क्वेश्चन, ये हो गया 6वां क्वेश्चन, ये हो गया 7वां क्वेश्चन। देखो 7 क्वेश्चन हो गए इतनी जल्दी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच।